दोस्तों, क्या आप लोगों को अमीर बनना है? हाँ, क्या आप पढ़े लिखे हो? ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पर सिग्नेचर इंग्लिश में कर लेता है मेरा भाई, तब तो आप पक्का अमीर बनोगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अमीर बनने का सीक्रेट बताता हूँ। दोस्तों, मैंने कई सारे गांव में खुद जाकर ऑब्जर्व किया है कि जो भी व्यक्ति सरपंच है वो अमीर है और हमेशा अमीर ही रहेगा। अगर आप लोगों को भी अमीर बनना है तो सरपंची में लड़ना पड़ेगा मेरा भाई। दोस्तों, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये गांव वाले तो गधे हैं, क्या है गधे, इनको सिर्फ दिलासा देना है कि मैं आपको पक्का घर बनवा दूंगा, मैं हर घर नल लगा दूंगा और मैं सबको रोजगारी दिलवाऊंगा। और फिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे हमें घर घर जाना पड़ेगा और सबके पैर पकड़ना पड़ेगा, और सबके पैर पकड़कर हमें वोट मांगना पड़ेगा और सबको कहना पड़ेगा अगर आप मुझे वोट देकर जिताते हो तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। और फिर दोस्तों, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन गांव वाले की तो मजे ही मजे होते हैं, क्योंकि उस दिन जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा रहता है वो सारे गाँव वालों को पैसा देता है, किसी को पार्टी देता है, किसी को दारू पिलाता है, इसलिए उस दिन सबकी मौजें ही मौजें होती है। और फिर जिस दिन वोट होगा उस दिन जो व्यक्ति विकलांग होगा उसे भी उठाकर लेकर आएंगे और उससे वोट दलवाएगा। फिर क्या, जिसने जितना ज़्यादा पैसा बहाया होगा वो चुनाव जीत जाएगा। फिर वो व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद 3 से 4 साल तक कुछ काम नहीं करेगा, बड़ा सा पावड़ा लेगा और पैसे समेटने का काम करेगा। और फिर बचे हुए कुछ एंडिंग के साल में कुछ थोड़ा बहुत काम दिखाएगा वो सबको, क्योंकि उसको अगले साल भी तो खड़ा रहना है, इसलिए वो सबको थोड़ा बहुत काम दिखाएगा, क्योंकि लोगों को ये तो दिखाना है कि ये काम तो कर रहा है। फिर क्या, वो फिर से चुनाव में खड़ा रहेगा, फिर से पैसे बहाएगा, फिर से चुनाव जीतेगा और फिर वो 5 से 10 साल के अंदर पूरा अमीर बन जाएगा। फिर उसके पास फॉर्च्यूनर होगा, बड़ा सा कार होगा, बड़े बड़े गाड़ी होगे और बड़ा सा बंगला भी होगा, और फिर वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जिएगा। और फिर हम गांव वाले तो गधे हैं, क्या है गधे, पहले भी गधा मजदूरी करते थे, आज भी गधा मजदूरी करते हैं और हमेशा गधा मजदूरी ही करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके पास भी बड़ी सी कार हो, बड़ा घर हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप भी ऐसो आराम की ज़िंदगी जिए? अगर नहीं तो करो फिर गधा मजदूरी, मुझे क्या। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।